लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जोर शोर से जुट गए। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं और युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव में जीत दर्ज करती है तो गरीब महिलाओं और युवाओं को हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही युवाओं को पक्की नौकरी दी जाएगी और साथ ही किसानों को बड़ा तोहफा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा परियोजना बनाकर काम करेगी। दरअसल जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति भी बालाघाट पहुंचे थे। इस दौरान जीतू पटवारी ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि महंगाई 10 गुना बढ़ गई। वहीं पीएम और सीएम पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की गारंटी यानी भ्रष्टाचार की गारंटी है। काला धन आया नहीं, लेकिन SBI की लिस्ट आ गई। एजेंसी का दुरुपयोग कर इलेक्ट्रॉलर ब्रांड बॉन्ड से चंदा वसूला गया। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो हम पढ़े लिखे युवा को पहली पक्की नौकरी 8,500 रुपया महीना कांग्रेस पार्टी देगी। न्याय का सिद्धांत है युवा न्याय का। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी उन बहनों को जिनके साथ छला है भारतीय जनता पार्टी ने, गरीब महिलाओं को 8,500 रुपया प्रति महीना पंजे की सरकार कांग्रेस की सरकार देगी। हम किसानों को 2,700-3,000 रुपए गेहूं के दाम, 3,100 धान के दाम, केंद्र में समर्थन मूल्य MSP की गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी।